धर्म रक्षा न्यास जयपुर की ओर से निकाली जा रही गौ रक्षा यात्रा ब्यावर पहुंची। गौ रक्षा रथ यात्रा पुष्कर में संस्था की ओर से चलाया गया अभियान देवी देवताओं की खंडित प्रतिमाओं को पीपल बड़ या जल में विसर्जन करने के बजाय गौ रक्षा संस्थान के सुपुर्द की जाए, ताकि उसका विधि विधान के साथ भूमि विसर्जन किया जा सके। इसी उद्देश्य को लेकर गौ रक्षा रथ यात्रा ब्यावर पहुंची। यात्रा ब्यावर के विभिन्न वार्डों और शहर के मुख्य बाजारों में जन जागृति फैलाकर उन्हें प्रेरित करेगी कि देवी देवताओं की खंडित प्रतिमा को भूमि विसर्जन करें या उनकी संस्था को सौंप दें। इस हेतु शुक्रवार को शहर के उदयपुर रोड स्थित आशापुरा माता मंदिर परिसर के सभागार में धर्म रक्षा न्यास के संस्थापक अभय जेत लदाणा के सानिध्य में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों से रूबरू होते हुए संस्थापक लदाणा ने जानकारी देते हुए बताया कि संस्था का उद्देश्य गौ माता के रक्षार्थ कार्य करना, साथ ही सनातन धर्म की देवी देवताओं की खंडित प्रतिमा और तस्वीर या अन्य कोई पूजन सामग्री जिसको हम पीपल बड़ या जल में विसर्जन कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। लदाणा ने कहा कि जब हमारे देवी देवताओं की खंडित प्रतिमा छाया चित्र बड़ या पीपल में विसर्जित करते हैं या फिर नगर परिषद के कचरा पात्र में डाल देते हैं, तो वह नाना प्रकार से मेली हो जाती है और हवा के साथ उड़कर गंदे स्थानों पर चली जाती है। यदि उन प्रतिमाओं को जल में विसर्जित करते हैं तो जल दूषित हो जाता है, इससे हमारे पूजनीय देवी देवताओं का अनादर होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए गौ रक्षा रथ यात्रा के माध्यम से आमजन में जागरूकता फैलाई जा रही है कि हमारे घरों में प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति या छाया चित्र यदि खंडित हो जाती है तो उन्हें बड़ पीपल या अन्य स्थानों पर विसर्जित करने के बजाय उनकी संस्था को सौंप दिया जाए, जिससे धर्म रक्षा न्यास द्वारा पूरे विधि विधान के साथ उन प्रतिमाओं को जयपुर गलताजी में पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर उन्हें भूमि में विसर्जित किया जाएगा। लदाणा ने बताया कि शहर सहित आसपास के क्षेत्र के खंडित प्रतिमाओं को भू विसर्जन हेतु ब्यावर में पंकज वर्मा को नियुक्त किया गया है। यह अपने संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर घर घर पहुंचकर देवी देवताओं की खंडित प्रतिमाओं को एकत्रित करेंगे, साथ ही आमजन में खंडित प्रतिमाओं को भूमि में विसर्जन हेतु जागरूकता भी फैलाएंगे। लदाणा ने बताया कि शुक्रवार को रथ ब्यावर के विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर घरों में रखी खंडित प्रतिमाओं तथा अभी हाल ही में नवरात्रि के दौरान घरों में स्थापित किए गए माता की प्रतिमा या जवारे उन्हें सौंप दे, ताकि उनकी धर्म रक्षा न्यास द्वारा उन्हें विधि विधान के साथ भूमि में विसर्जित करेगी। प्रेस वार्ता के दौरान धर्म रक्षा न्यास के ब्यावर सदस्य पंकज वर्मा, चौधरी तुलसी राम, गणपत सिंह तथा मदन सिंह आदि मौजूद रहे। मैं आप सभी लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि एक गौ रक्षा यात्रा प्रारंभ की गई है तीर्थराज पुष्कर से, जगत पिता ब्रह्मा जी के चरणों से। और गौ रक्षा यात्रा क्या है कि कोरोना काल के अंदर जिन अकाल मृत्यु जिन लोगों की हुई है, अभी लंपी रोग में जिन गाय माताओं की मृत्यु हुई है, उन सब के लिए हम शहर शहर जा रहे हैं और यज्ञ के माध्यम से शुद्धिकरण अभियान चला रखा है। हमारा धर्म रक्षा न्यास का कार्य क्या है कि हम तीर्थराज पुष्कर से ब्यावर आए हैं तो हम सुबह शाम तो यज्ञ करते हैं और संपूर्ण दिन हम जो खंडित मूर्तियां, तस्वीरें, छायाचित्र जो भी नवरात्रियों में माता रानी के निकले हैं, उनमें आपके घर में जो ज्वारे हैं, माता रानी की तस्वीरें हो, फोटो हो, छायाचित्र हो, वो हमको दीजिए आप, हम उसका विधि विधान से भू विसर्जन करेंगे। हाथों में सोने के कंगन और गले में हीरो का हार, कृष्णा ज्वेल्स का लेटेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन त्योहारों में करे आपका सच्चा श्रृंगार। 3 से 5 अक्टूबर तक ग्रैंड एग्जीबिशन एंड ज्वेलरी पर स्पेशल ऑफर्स एंड अशॉर्ट गिफ्ट्स के लिए विजिट कृष्णा ज्वेल्स, होटल राजमहल प्रीमाइसेस ब्यावर, TNC अप्लाई। हाथों में सोने के कंगन और गले में हीरो का हार, कृष्णा ज्वेल्स का लेटेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन त्योहारों में करे आपका सच्चा श्रृंगार। 3 से 5 अक्टूबर तक ग्रैंड एग्जीबिशन एंड ज्वेलरी पर स्पेशल ऑफर्स एंड अशॉर्ट गिफ्ट्स के लिए विजिट कृष्णा ज्वेल्स, होटल राजमहल प्रीमाइसेस ब्यावर, TNC अप्लाई।